नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पलंग झपकते ही हजारों की चोरी, सीसीटीवी में कैद घटना। तेज रफ्तार कार टकराई डिवाइडर से, एक घायल। सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल। सीमेंट फैक्ट्री में आने वाली फ्लैश मुख्य सड़क पर की गई खाली, लोग हो रहे हैं परेशान। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक कार की। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जाकर टकराई और वह पलट गई, जिसमें चालक को गंभीर चोट आई। दमोह जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जाता है दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत तीन गुल्डी के समीप पे यह पूरा मामला है। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई, किस तरह से ये कार तेज रफ्तार थी, टकराई, उसके बाद चालक को स्थानीय लोगों के द्वारा निकाला गया। आइए हम आपको दिखाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोनगर के नालंदा स्कूल के समीप एक महिला को सांप ने काट लिया। बताया जाता है महिला शंकर जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वापस घर जा रही थी कि पार्क के समीप सांप ने उसे काट लिया, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या हो गया? आपने सांप को देखा था? कहाँ की घटना है? घटना कहाँ की है? देवी विवेकानंद नगर नालंदा स्कूल के सामने। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज। दमोह जिले के नोटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर बाइक सवारों को एक शराबी ने टक्कर मार दी, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बनवार के मंदिर में पूजा करने के बाद पुजारी अपने परिवार के साथ जा रहे थे कि बीच रास्ते में ये टक्कर मार दी। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। आपका? सर मेरा नाम राजेश दुबे है। क्या हो गया आपके साथ? सर हम लोग दमोह से बनवाट पहुंचे थे, जहां मंदिर में पूजा करते हैं। मैंने मंदिर की पूजा करने के बाद हरदुआ मानगढ़ अपने घर जा रहे थे, तो वहां से ये दारू पीकर इसने गाड़ी हमारी टू व्हीलर में गाड़ी मार दी। हम लोग तीन लोग घायल हैं सर। कौन कौन घायल है? हमारा छोटा भाई है और हमारी मिसेज है। कहाँ रहते हैं? हम हरदुआ मानगढ़ में रहते हैं, बनवार में पूजा करते हैं, हम पंडित आए तो पूजा करके हम अपने हरदुआ मानगढ़ जा रहे थे। यहाँ कैसे आए आप? यहाँ दमोह हम भैया घर फॉर्म डालने के लिए आए थे। अभी कैसे आए आप? अभी हम लोग एम्बुलेंस से आए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह देहात थाना अंतर्गत एक चोरी का मामला सामने आया। संपूर्ण घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पलक झपकते ही हजारों रुपए चोरी हो गए हैं। बताया जाता है कि मुक्तिधाम के समीप संजू साहू की आयशा ट्रेडर से, जहां पर रेत का व्यापार होता है, वहां से ये चोरी हुई है। कुछ दिन पूर्व महाकाली चौक के समीप उनके 60,000 रुपए चोरी हुए थे। 55,000 से 60,000 रुपए एक बार पुनः चोरी हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में संपूर्ण घटना कैद हुई है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है।
संजय सरवरिया लखीडीसी न्यूज दबाओ। जिला कांग्रेस कार्यालय में आज जीते हुए पार्षदों का सम्मान किया गया, साथ ही जो भी प्रत्याशी थे उनका भी सम्मान किया गया। कांग्रेस के 17 पार्षद जीते हैं, हालांकि बहुमत की बात की जा रही थी जिससे वह 3 पायदान नीचे हैं। ऐसे में कांग्रेस को भी अध्यक्ष बनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि सबसे अधिक पार्षद होने के बावजूद उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। क्या कहना है जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनु मिश्रा का और विधायक अजय टंडन का, आइए सुनते हैं। लगातार सोशल मीडिया में आ रहे हैं TSM से समर्थन लेंगे और उनका उपाध्यक्ष बनाएंगे। ना, अभी किसी से भी इस विषय में बात नहीं की। इसमें कोई शर्त तो कोई सौदेबाजी तो है ही नहीं। कांग्रेस के लिए हमेशा सबके दरवाजे खुले रहते हैं। कांग्रेस में जो आना चाहे कांग्रेस को समर्थन देना चाहे स्वीकार। आज हमें जरूरत भी है, इस बात को कहने में जरा भी कोती है, हमारी सदस्य संख्या कुछ कम है, हमें जरूरत है। लेकिन हम ये देखेंगे बिना शर्त, इसमें कोई ब्लैकमेलिंग या कोई सेटलमेंट नहीं। हमारी जो कांग्रेस की रीति नीति है उसमें वह विश्वास करें, और जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा पत्र भी निकाला था मनु मिश्रा जी, उसमें जो हमने वादे किए वह वादे हमें जनता के पूरे करते हैं। और हमने आपसे कहा था कि हमें गुणवत्ता का ख्याल रखना, हमें जो टेंडर पद्धति है उसको कुछ चेंज करना है। कहने का मतलब है कि जब जनता ने विश्वास किया है तो हम जनता के विश्वास पर खड़े, उसको लेकर अगर कोई हमसे जुड़ना चाहे उसके लिए हमारी कार्रवाई करनी है, उन चीजों को सुधार करते हैं। अब इस समय जो परिस्थितियां हैं, हमारा पार्षदों के माध्यम से चुनाव होना है, 17 पार्षद हमारे हैं, 3 निर्दलीय जीते हैं, उसमें से 1-2 लोग ऐसे हैं कि जिनकी विचारधारा हम लोगों से मेल खाती है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमको अपने जैसा हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि हम अपनी जो हमारे सिद्धांत है उस पर चल के अगर कोई हमारे साथ आएगा बात करेगा, हम दमोह शहर का विकास करना चाहते हैं, हम अपने घोषणा पत्र को पूरा करेंगे और यहाँ की जनता को ईमानदारी के साथ एक स्वच्छ प्रशासनिक छवि के पार्षद और अध्यक्ष के पोस्ट देंगे। पार्टी ने, जनता ने जो बहुमत दिया है उसमें थोड़े से हमारे 1-2 लोगों की कुछ कमियां रह गई, नहीं तो हम लोगों को ये स्थिति भी नहीं आती अगर 3-2 पार्षद और जीत जाते। परंतु फिर भी कांग्रेस के विचारधारा का ही अध्यक्ष जो कांग्रेस के संगठन के साथ चलेगा वही अध्यक्ष रहेगा, और जो दूसरे दलों के लोग, जैसा आपने अभी इशारा किया है, तो जो हमारी विचारधारा में आके और शहर का विकास के लिए, भलाई के लिए काम करना चाहेंगे तो ऐसे लोगों का भी हम स्वागत करेंगे, परंतु उनकी शर्त के आधार पर नहीं, दमों के विकास के आधार काम करेंगे। और मैं, हमारा एक भी महापौर नहीं था, 57 साल बाद ग्वालियर में पहली बार कांग्रेस का महापौर जीता है, तो ये लक्षण बता रहे हैं कि अगले साल परिवर्तन होना है और सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, और आज हमारे पार्षदों ने जिस दमखम से यहां विश्वास दिखाया है कि हम सब लोग साथ में रहेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पार्षद कहीं विचलित नहीं होंगे, क्योंकि कई बार मीडिया पे खबर आती है तो उसमें से आज सबसे पहले राजा रौतेला ने अपने भाषण में ये कहा कि अगर कोई 50 लाख रुपए भी लेके मेरे दरवाजे पे आएगा तो मैं ठाकुर हूँ और मेरे खून में से कांग्रेस ही रहेगी, मैं कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो लोग ये भ्रम में ना रहे, ना ये भ्रांति फैलाए कि कांग्रेस के लोग कहीं जाएंगे, कांग्रेस के पास रहेंगे। हाँ, ये उम्मीद जरूर है कि दूसरे दल के लोग हमारे साथ आएंगे। क्या किसी से संपर्क हुआ? संपर्क जब हमने कहा कि हमारी विचारधारा से जो समझौता करके चलेंगे और जो चाहेंगे कि हम दमों के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं वो हमारा साथ देंगे तो उनका स्वागत है। कांग्रेस को TSM से भी परहेज नहीं है, बशर्ते उनकी कोई शर्त ना हो। कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर अगर वह समर्थन देते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। मंगलवार को आवेदक अपने आवेदन लेकर पहुंचते हैं कलेक्ट्रेट में। मंगलवार को आज भी आवेदक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्यान्न सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में यह ज्ञापन सौंपा गया।
दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर हिन्नाई उमरी के समीप फ्लाई एस जो कि फैक्ट्री में आता है वहां पर मुख्य सड़क के किनारे से खाली कर दिया जाता है, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। जहां खेती बर्बाद हो जाती है तो वहीं लोगों को परेशानी इस लिबास से होती है, क्योंकि जैसे ही कोई बाहर निकलता है फ्लाई एस उड़ने लगता है, सामने वाले को कुछ नज़र नहीं आता। पहले भी इसी तरह के मामले सामने आए, एक बार पुनः फैक्ट्री प्रबंधन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनके यहाँ आने वाले जो बड़े वाहन हैं जिन्हें कैप्सूल कहा जाता है उससे ये फ्लाई एस इस तरह से मुख्य सड़क के किनारे खाली कर दिया गया है। मेरा नाम मोहित पटेल है, ग्राम हिन्नाई उमरी से हूँ। यहाँ पर जो फ्लाईलेस फैक्ट्री ने डाली है, माइसम सीमेंट एमलाई फैक्ट्री ने डाला है, वो रूट के इधर मेरा खेती पड़ता है। इससे धरती बंजर होती है, ये पत्थर है, इसलिए मैं उचित से उचित मुआवजा की फैक्ट्री से रिक्वेस्ट करता हूँ। और ग्रामीण लोगों को इससे भारी बड़ी प्रदूषण फैलता है, इससे आदमी गिरते भी हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा फैल रही है। मेरा नाम मोहित पटेल है, ग्राम हिन्नाई उमरी से हूँ। यहाँ पर जो फ्लाईलेस फैक्ट्री ने डाली है, माइसम सीमेंट एमलाई फैक्ट्री ने डाला है, वो रूट के इधर मेरा खेती पड़ता है। इससे धरती बंजर होती है, ये पत्थर है, इसलिए मैं उचित से उचित मुआवजा की फैक्ट्री से रिक्वेस्ट करता हूँ। और ग्रामीण लोगों को इससे भारी बड़ी प्रदूषण फैलता है, इससे आदमी गिरते भी हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा फैल रही है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज़ दबाओ। खाद्यान्न पर देश में पहली बार टैक्स प्रारंभ हो गया है। जी हां, आटे पर भी अब टैक्स लगेगा, जिसके चलते लोगों में खासी नाराजगी है। इसके अलावा कई अन्य खाद्य पदार्थ हैं जिन पर टैक्स प्रारंभ हो गया है, कई सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। विशेष रूप से दुकानों में जो पैक्ड सामग्री आती है, चाहे दाल हो, चावल हो या फिर आटा, सभी पर अब टैक्स लगने वाला है। इसका सीधा असर गरीब व्यक्ति की ज़िंदगी पर पड़ेगा। वैसे भी महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है, महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है। और इस बीच जीएसटी काउंसिल में जिस तरह की बैठक के बाद निर्णय लिए गए, एक के बाद एक निर्णय लागू हो रहे हैं, अब आटा, दाल, चावल सब कुछ महंगा हो गया है। खुले में बिकने वाली दालों पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन अगर दाल पैकिंग वाली है तो उस पर टैक्स लगेगा। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज़। जिला अधिवक्ता संघ दमक के सेंट्रल हॉल में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कोरोना वैक्सीन का प्रथम डोज, द्वितीय डोज और तृतीय डोज लगाया गया। जिनके वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया है उनके लिए बूस्टर डोज भी लगाया गया। उक्त आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय रेणुका कंचन के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुरेश मेहता, उपाध्यक्ष मुकेश पांडे ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। जिला चिकित्सालय की ओर से वैक्सीनेटर के रूप में हेमंत सुमन, वैक्सीनेटर नर्स जेबा हाशमी एवं नीरज पटेल की उपस्थिति रही।
संकल्प आज महसूस ही घटा नहीं है। आज जिला अधिवक्ता दमोह में कोविड वैक्सीनेशन का शिविर जिला चिकित्सालय दमोह के सहयोग से लगाया गया है। इसमें अभी तक हमारे करीब 50 अधिवक्ता लाभान्वित हो चुके हैं। अधिवक्ता और उनके परिजन दोनों इस शिविर में भाग ले रहे हैं और सबको वैक्सीनेट किया जा रहा है। जिन अधिवक्ताओं को फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज या बूस्टर डोज नहीं लगा है, उन सभी डोजों को लगाने की व्यवस्था आज हमारे जिला अधिवक्ता संघ में माननीय प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश रानी को पंचायत के मार्गदर्शन में यहाँ वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। मैं जिला चिकित्सालय दमोह की चिकित्सीय टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने ऐसे समय पर हमें अपना अमूल्य समय दिया, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया। अधिवक्ता संघ की ओर से आज कोविड के बूस्टर डोज लगवाने के लिए राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टरों के द्वारा अधिवक्ता संघ में ये आयोजन रखा गया है और बूस्टर डोज अधिवक्ताओं को तथा उनके परिजनों को तथा जो भी और व्यक्ति लगवाना चाहते हैं ये लगवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और लगवा रहे हैं। ये वर्तमान में जो कोविड की स्थिति है उसको देखते हुए सरकार के चिकित्सालय दलों के स्टाफ का आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने अपना टीम की जमा निकाल कर अधिवक्ता संघ में उपस्थित हुए और अधिवक्ता संघ के सदस्यों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रेरित हुए। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज। बक्सा थाना अंतर्गत जझारपुरा गांव में दो सड़क हादसे हुए। पहला हादसा शाम लगभग 4 बजे हुए, जिसमें एक बाइक सवार युवक को पिकअप ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं आधे घंटे के अंतराल में दूसरा बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में आकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद युवक को बाहर निकाला गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, युवक का उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी धन सिंह नलवाय ने बताया कि पहले सड़क हादसे में महिंद्र पिकअप MP16GA1210 जो कि दमोह से बक्सवा की ओर आ रही थी, जिसने गाँव के पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें गुल सिंह आदिवासी पिता हेकड़िया आदिवासी निवासी कूड़ा जनी थाना बक्सवा की मौके पर मौत हो गई। दूसरे मामले में ट्रक क्रमांक MP34H0579 जो कि दमोह की ओर से आ रहा था, नियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। सागर जिले के कड़ाकोटा नगर में 17 दिन जनकपुरी में ठहरने के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी बहन सुभद्रा बलदाव भैया के साथ सावन के पहले सोमवार को वापसी हुई। जगदीश मंदिर तक की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जगह जगह इसका स्वागत किया गया। काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ स्वामी पटेरिया धाम से जनकपुरी मंदिर मालगुजार के यहाँ पहुंचे थे, वहाँ 17 दिन तक रुके। परंपरा अनुसार हवन पूजन विधि विधान से किया गया, उसके बाद विदाई की गई। इस अवसर पर भाजपा नेता अभिषेक दीप भार्गव भी इस यात्रा में शामिल हुए। साथ ही नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भरत चौरसिया, उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, मुन्ना साहू, पत्रकार एवं नगर के गणमान्य लोग शामिल थे।
कड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। पटियाला थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां कुएं में गिरने से वृद्ध की मौत हो गई। बताया जाता है कि वृद्ध खेत पर जा रहा था। वृद्ध का नाम खलील खान है, जो खेत पर जा रहे थे कि बीच रास्ते में बने कुएं में वह गिर गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में जांच जारी है। उनको चाहने थे मन खान। किस गांव से हैं? क्या घटना हुई है? वो खेत पे गए हुए थे, कुआ है वहाँ से, तो उनका पाँव आप फिसल गया। जो भी हो वगैरह, जैसे हम लोगों को जानकारी लगी, हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उनको निकलवाया और आज पीएमपी के लिए यहाँ बटेड़ा ले आए। कितनी उम्र होगी उनकी? 70 या 75 की लगभग उम्र। कौन थे वो आपके? वो हमारे चाचा लगते थे परिवार से। पटियाला से अनु खान की रिपोर्ट। पटियाला थाना अंतर्गत नाहर बरखेड़ा से एक मामला सामने आया जहां सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। महिला घर पर काम कर रही थी, तभी अचानक सांप ने उसे काट लिया। आनन फानन में उपचार के पटियाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर सौरभ जैन ने महिला दोपति रोधी नाहर बरखेड़ा निवासी महिला को मृत घोषित किया। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया है। कहाँ से आए? क्या घटना? सांप ने काटा है कल 8 बजे। कौन है आप? मतलब कौन है? चाची है। कितने टाइम की घटना? 8 बजे की है। यहाँ अस्पताल ला रहे थे तो 10 दिन में खत्म हो। किस गांव से हैं? बेलखेड़ी। क्या घटना हुई है? घटना ये कुआं है खेत पे, वही वहाँ गए हैं काम से, मतलब पाँव वहाँ फिसल गए या कुछ भी, मतलब पता नहीं। जानकारी मिली तो हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी, फिर पुलिस गई, फिर उनको देखा, निकाला, फिर मतलब निकल गया, पीएम के लिए ले आए। कौन है वो आपके? वो मेरे भाई हैं, मतलब मजले दादा के लड़के हैं। कितनी उम्र होगी उनकी? करीबन 75 की लगभग होगी। पटियाला से अनु खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पलंग झपकते ही हजारों की चोरी, सीसीटीवी में कैद घटना। तेज रफ्तार कार टकराई डिवाइडर से, एक घायल। सड़क हादसे में एक की मौत, एक घायल। सीमेंट फैक्ट्री में आने वाली फ्लाई ऐश मुख्य सड़क पर की गई खाली, लोग हो रहे हैं परेशान। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक लीजिए इजाजत। नमस्कार।